अभी डाइपोल मोमेंट ऑफ टू बार मैग्नेट हम क्या कर सकते हैं, बाय सम एंड डिफरेंस मेथड भी मेजर कर सकते हैं। अभी ये सम एंड डिफरेंस मेथड क्या है, देखिए सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है, सम एंड डिफरेंस मेथड। सो इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, सम एंड डिफरेंस, कंपैरिजन ऑफ टू डाइपोल मोमेंट बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। तो इसमें क्या रहेंगे, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट रहेंगे, आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स, ठीक है, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स विल बी देयर। और आइडेंटिकल बार मैग्नेट सपोज नहीं है, टू बार मैग्नेट्स है ओनली, टू बार मैग्नेट्स, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, दो बार मैग्नेट को किस तरह से सस्पेंड करेंगे, विथ लाइक पोल्स टुगेदर, मतलब इधर नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ विथ लाइक पोल्स टुगेदर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन है और डाइपोल मोमेंट एम वन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है, डाइपोल मोमेंट एम टू है। तो जब दोनों का नॉर्थ नॉर्थ सेम साइड पे है, साउथ साउथ सेम साइड पे है, तो पहले टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी वन इज इक्वल टू टू पाई स्क्वेयर रूट ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, आई वन प्लस आई टू, जनरल फॉर्मूला क्या है, टू पाई स्क्वेयर रूट ऑफ आई बाई एम भी है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, एम वन प्लस एम टू होगा, क्योंकि दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन है, इंटू बी एच। सो ये पहला हो गया। दूसरे का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अभी क्या करेंगे, टू बार मैग्नेट्स आर प्लेस्ड लाइक दिस इनिशियली, ओके, नाउ दे आर प्लेस्ड विद अपोजिट पोल्स टुगेदर, ओके, अपोजिट पोल टुगेदर इस तरह से अभी रखना है। सो दिस इज द फर्स्ट बार मैग्नेट एंड दिस इज द सेकेंड बार मैग्नेट, दे आर सस्पेंडेड लाइक दिस विथ अपोजिट पोल्स टूगेदर। अब अगर पोल्स अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट अपोजिट आ जाएगा, एंड इन दिस केस न्यू सपोज टाइम पीरियड इज टी टू, सो टू टी टू क्या आ जाएगा, टू पाई स्क्वेयर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू इंटू बी एच। मतलब जब पोल्स अपोजिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ द टू बार मैग्नेट्स विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर फोर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, एम वन माइनस एम टू। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, एडिटिव है, ओनली एडिटिव, सेम डायरेक्शन में पोल्स रखो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में पोल्स रखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो दोनों फॉर्मूले क्या फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू ही आ जाएगा। सो फर्स्ट केस में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन प्लस आई टू, सेकेंड केस में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन प्लस आई टू। फर्स्ट केस में टोटल डाइपोल मोमेंट एम वन प्लस एम टू, सेकेंड केस में टोटल डाइपोल मोमेंट एम वन माइनस एम टू, ओके। एंड डिवीजन करने के बाद क्या हो जाएगा, टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, इस तरह से हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, टी वन स्क्वेयर बाय टी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, ओके। सो उसके बाद क्या हो जाएगा, अभी कंपोनेंट टू डिविडेंड एक्शन किया तो टी वन स्क्वेयर माइनस टी टू स्क्वेयर, सॉरी टी वन स्क्वेयर प्लस टी टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टी वन स्क्वेयर माइनस टी टू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वन डिवाइडेड बाई एम टू आ जाएगा, ओके। सो वन फाइनली आई एम गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ एम वन बाई एम टू, दैट इज द कंपेरिजन ऑफ द टू डाइपोल मोमेंट्स। सो डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या आता है, टी वन बाई टी टू इज इक्वल टू रूट एम टू बाई एम वन आता है, एंड सम एंड डिफरेंस मेथड में फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज एम वन बाई एम टू इज इक्वल टू टी वन स्क्वेयर प्लस टी टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टी वन स्क्वेयर माइनस T2 square. So this is the formula. Okay. So in this way, by sum and difference method,
we can compare the dipole moment of two bar magnet. Okay, so sum and difference method में two bar magnet identical होने की जरूरत नहीं है. Okay, sum and difference method में मतलब दोनों का moment of inertia same होने की जरूरत नहीं, different हुआ तो भी चलता है. So in this way there are applications of the vibration magnetometer. Okay, so vibration magnetometer में एक ही formula use होता है. वो formula सिर्फ ध्यान में रखना है. क्या formula है? T is equal to 2 pi square root of I by m BH. Okay, so remember this formula. This is a very important formula. उसमें moment of inertia का formula क्या है? M in bracket L square plus B square divided by 12. और vibration magnetometer किसके लिए use कर सकते हैं? Either measure M of a bar magnet or measure BH or the compare dipole moment of two bar magnet. These are the three basic applications. Okay, M measure करने के लिए time period और BH measure करो और ये उससे M निकालो. BH का measurement करने के लिए time period measure करो और M measure करो. Based on that you can measure the BH. या फिर कंपैरिजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? T1 by T2 is equal to square root of M2 by M1 आ जाएगा. लेकिन कंडीशन इज दैट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होना चाहिए. मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन करना है तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, तभी फॉर्मूला आता है T1 by T2 is equal to root M2 by M1 आता है. एंड सम एंड डिफरेंस मेथड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिफरेंट भी है तो भी चलता है. So, उसमें फॉर्मूला क्या आ जाएगा? M1 by M2 is equal to T1 square plus T2 square divided by T1 square minus T2 square. Okay. So, in this way, you can compare the dipole moment of two bar magnets. So, let's have a few problems. Based on this, देखिए first question is on sum and difference method. Sum and difference method का एक question है. Question क्या है देखिए? Question is like this. Time period of vibration of two magnets in sum position is 3 seconds. जब sum होता है तो टाइम पीरियड आता है 3 सेकंड सम पोजीशन पे. एंड व्हेन द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड द कॉम्बिनेशन मेक्स 12 ऑसिलेशंस पर मिनट. ओके, सो डिफरेंस मेथड डिफरेंस पोजीशन पे क्या दिया है? डिफरेंस पोजीशन पे फ्रीक्वेंसी दिया है. That is N2 दिया है. N2 कितना दिया है? 12 oscillation per minute दिया है. 12 oscillation per minute means that is like this. N2 is 12 by 60 hertz. So T2 कितना जाएगा? 60 divided by 12 second. That is 5 second. So जब दो bar magnet sum position में place करते हैं, sum मतलब north north on the same side, south south on same side, तो time period आता है 3 seconds और difference position पे आता है time period 5 seconds. तो dipole moment of two bar magnet हमें compare करना है. तो M1 by M2 का formula रहेगा, that is 5 square plus 3 square divided by 5 square minus 3 square. That is the only thing is to be done. 5 square plus 3 square divided by 5 square minus 3 square. Okay, do the calculation such that always there is a subtraction of larger minus smaller. Okay, so therefore 25 plus 9 divided by 25 minus 9, that is 36 by 16. 34 by 25 plus 9 means 34, 25 minus 9 means 16. So 17 by 8 will be the answer. 17 by 8. Okay, so that is the answer. So M1 by M2 nikalne ke liye kya karna hai? Higher square plus lower square minus highest
डिवाइडेड बाय हायर स्क्वायर माइनस लोअर स्क्वायर, इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है? ये तो कैलकुलेशन माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ बार मैग्नेट, अ मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म 20 ऑसिलेशन पर मिनट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेशन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बार मैग्नेट कितना ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, 20 ऑसिलेशंस पर मिनट परफॉर्म करता है, पर मिनट हॉरिजॉन्टल प्लेन में। उसके बाद क्या दिया है, इफ एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप कितना है 30 डिग्री है, देन हाउ मेनी ऑसिलेशंस पर मिनट विल इट परफॉर्म इन वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन। वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन में कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा, वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन में कितना फ्रीक्वेंसी रहेगा एंड वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन में कितना रहेगा। सो दैट इज द क्वेश्चन। देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना ऑसिलेशन है, 20 ऑसिलेशंस पर मिनट है, मतलब कंपास पहले हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है और उसका फ्रीक्वेंसी मेजर किया तो आता है 20 ऑसिलेशंस पर मिनट, एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री। वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन में फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, अगर वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन में वो वही कंपास रखा तो उसका फ्रीक्वेंसी सपोज N1 आता है तो N1 कितना आ जाएगा, एंड वर्टिकल ईस्ट वेस्ट प्लेन में अगर उसको रखा, कंपास को रखा तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा। ओके अभी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√i/mb, I/mb, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर प्लेन। इधर हम BH नहीं ले लेंगे, जनरल फॉर्मूला पहले लिखेंगे, T=2π√i/mb। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या क्या आ जाएगा, 1/2π√mb/i, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1/ टाइम पीरियड, ठीक है? अभी दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस। ओके, सो केस वन में क्या हो जाएगा, देखिए केस वन में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2π√mbh/i आ जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा बोलिए, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट होता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट रहेगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, ओनली BH ही रहेगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट रहेगा, BH ओनली, क्योंकि B तो इंक्लाइंड रहता है, BF तो वर्टिकल रहता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जब मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेट करता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करता है, तो हमें कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेना चाहिए, BH ओनली लेना चाहिए, ठीक है? सो केस वन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/2π√mbh/i। ये समझ में आता है क्या, देखिए ठीक है। अभी केस टू का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, केस टू में फ्रीक्वेंसी सपोज फ्रीक्वेंसी के लिए n सिंबल यूज करता हूं, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी है n इज इक्वल टू 20। केस टू में फ्रीक्वेंसी सपोज n1 है, n1 इज इक्वल टू 1/2π√ अभी मैग्नेटिक नीडल तो वही है, मतलब BM और I चेंज नहीं होने वाले हैं, ओनली B चेंज होने वाला है। तो मुझे बताइए, अगर मैग्नेटिक नीडल अभी वर्टिकल प्लेन में है और नॉर्थ साउथ प्लेन में है, वर्टिकल नॉर्थ साउथ प्लेन मतलब क्या रहता है, मैग्नेटिक मेरिडियन रहता है,
जब कोई भी कंपास मैग्नेटिक मेरिडियन में रहता है तो उस पर क्या एक्ट होता है, बीएच एक्ट होता है, बीफे एक्ट होता है या फिर बी एक्ट होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा एक्ट होगा मुझे बताइए। अभी देखिए तीन केसेस में क्या होगा, एक केस में बीएच है, एक केस में बी है और एक केस में बीफे है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से प्लेन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होने वाला है। मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट कब होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी कब एक्ट होगा, उसके बाद ओनली बीएच कब एक्ट होगा, उसके बाद ओनली बीफे कब एक्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जब मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी तब उस पर ओनली बीएच एक्ट होगा। जब मैग्नेटिक मेरिडियन में जब वो मैग्नेटिक नीडल रहेगी, कंपास रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिक में नॉर्थ साउथ वर्टिकल, नॉर्थ वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ ना, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक नीडल कैसा रहता है, इंक्लाइंड रहता है, इंक्लाइंड मतलब उस पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट होता है, बी। तो सेकंड केस का ये फॉर्मूला आ जाएगा। और केस थ्री अभी देखिए, केस थ्री में यन टू निकालना है इज इक्वल टू वंस अगेन 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ यम एज इट इज आई एज इट इज। अभी बोलिए बीएच लेना है, बीफी लेना है या फिर बी लेना है। अभी प्लेन कैसा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेन है। अभी बीएच देखिए कौन से डायरेक्शन में एक्ट होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बीएच एक्ट होता है, नॉर्थ साउथ। अभी बीएच का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना रहेगा, बीएच का अगर बीएच एक फैक्टर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है तो उस फैक्टर का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट रहेगा, जरा सांगता है देखा बगा बोला। या कन्सेप्ट खूप अंडरस्टैंड होणं महत्त्वाचं आहे। एखाद्या वेक्टरचा त्याच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये कंपोनेंट किती असतो, व्हॉट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन इट्स परपेंडिक्युलर डायरेक्शन, कैन यू टेल मी। एक वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए मुझे और उस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो, ठीक है। मतलब बीएच नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, मतलब साउथ टू नॉर्थ रहता है बीएच, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट जीरो आ जाएगा। मतलब जब वर्टिकल प्लेन रहेगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा, तो उस प्लेन में बीएच जरा भी नहीं होगा। अभी बीएच नहीं है तो हाइब्रिड तो करना चाहिए, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा फॉर्मूला में, बीफी लेना पड़ेगा, we cannot take BH. So these are the formulae for the frequency in three cases. Case one, horizontal plane में oscillation है, horizontal plane में vertical component तो नहीं act होगा क्योंकि बीफी तो vertical रहता है। अगर फिर से मैंने question पूछा, एक vector vertical है उसका horizontal direction में component कितना पूछा, तो क्या answer आ जाएगा, zero. So, अगर मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट होती है तब उस पर ओनली बीएच एक्ट होता है। जब मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन में एक्ट होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन में मतलब क्या रहेगा, उधर बीएच भी रहेगा, बीफी भी रहेगा, मतलब टोटल बी लेना चाहिए। और जब कोई मैग्नेटिक नीडल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है तो ईस्ट वेस्ट प्लेन में ओनली बीफी एक्ट होगा, बीएच जीरो रहेगा। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूले, नाउ यू कैन डू द कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला नंबर वन एंड फॉर्मूला नंबर टू का क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। सो देयरफॉर एन वन बाई एन कितना जाएगा, एन वन बाई एन कितना जाएगा, 1/2π m/i गेट कैंसल, सो स्क्वायर रूट में रहेगा, एन वन का बीएच रहेगा एंड एन टू का क्या रहेगा, सॉरी एन वन का बी रहेगा, एन वन का बी रहेगा और एन का क्या रहेगा, बीएच रहेगा, बी डिवाइडेड बाय, बट बीएच इज इक्वल टू बी
कॉस डेल्टा रहता है, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल्टा रहता है ना, एंड बी वी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा रहता है, तो बी बी कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन कॉस डेल्टा, इट इज कॉस 30, एंगल ऑफ डिप दिया है, सो कॉस 30 का वैल्यू कितना है, रूट थ्री बाई टू डिनोमीटर को आ जाएगा, √3/2, 2/√3, स्क्वेयर रूट ऑफ 2/√3, सो एन वन इज इक्वल टू एन इन टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2/√3, दिस कैलकुलेशन इज टू बी डन, ओके। और ये कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज एन कितना है, पहले तो कितना है 20 ऑसिलेशंस पर मिनट है, ठीक है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/√3, सो ये कितना आ जाएगा, आई एम डूइंग द कैलकुलेशन, सो 20 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/√3 इज इक्वल टू, टोटल कैलकुलेशन आता है 21.49 ऑसिलेशंस पर मिनट, दैट विल बी द आंसर 21.49, एंड सेम आंसर इज गिवन इन द बुक 21.5 ऑसिलेशंस। अभी केस टू, इधर क्या करना है, वंस अगेन एन टू डिवाइडेड बाई एन करेंगे, तो n2 by n मतलब once again 1/2π, 1/2π m and m, m i and i get cancel, so n2 का क्या बचेगा, b phi बचेगा, and n1 का क्या बचेगा, b h बचेगा। अभी b phi by b h मतलब क्या रहता है, tan delta रहता है, tan of angle of dip, क्योंकि b phi तो b sin delta है, b h तो b cos delta है, tan delta, so tan square root of tan of 30, that is 1/√3, so n2 is equal to, n kitna hai, 20 into square root of 1/√3, so this calculation has to be done, 20 into root of 1/√3, so 15.19 is the answer, 15.20 oscillations per minute, 15.20 oscillations per minute, so this is a very important problem, ये आपको ध्यान में रखना है, okay, so vibration magnetometer में जब एक needle, revise करता हूं, देखिए, जब एक needle हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट होता है तो फॉर्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू 2π√i/mbh, मतलब एक ही नीडल डिफरेंट प्लेन में अगर हमने वाइब्रेट किया तो b क्या लेना है ये ध्यान में रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या लेना है, अगर मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड bh लेना है, अगर मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन विच इज मैग्नेटिक मेरिडियन अगर होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में ऑसिलेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बी लेना पड़ेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लेना पड़ेगा, दैट इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी, एंड जब वर्टिकल प्लेन विच इज इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन को परपेंडिकुलर प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन को परपेंडिकुलर प्लेन है, तो उस प्लेन में बी एच जीरो हो जाता है एंड ओनली बी वी इज एक्टिंग, तो उधर मैग्नेटिक फील्ड कितना लेना चाहिए, बी वी लेना चाहिए, ओके, सो हमेशा ध्यान में रखिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बी वी जीरो होता है, ओनली बी एच इज एक्टिंग, वर्टिकल मैग्नेटिक मेरिडियन है तो टोटल बी एक्ट होता है, एंड वर्टिकल मैग्नेटिक मेरिडियन को परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब वर्टिकल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्लेन है तो ओनली बी वी एक्ट होता है, बी एच जीरो होता है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि बी यूज करना है या फिर बी एच यूज करना है या फिर बी फी यूज करना है,
ठीक है, कब बी ए बी कब यूज करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी कब यूज करना है, व्हेन मैग्नेटिक नीडल इज ऑसिलेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन विच इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, बीफी कब यूज करना है, देयर शुड बी वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन और वर्टिकल प्लेन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एंड पीएच कब यूज करना है, देयर शुड बी हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली, ओके, नो वर्टिकल प्लेन. Any doubt in this case? So next part that we are going to study now, so you can go to your book and solve the remaining problem of the vibration magnetometer. You can use either H.C. Verma or fir D.C. Pandey, okay, so solve the books from this. And last point of this chapter is deflection magnetometer, okay, deflection magnetometer. Deflection magnetometer. So last time we have studied vibration magnetometer. Next is the deflection magnetometer. Okay. So as vibration magnetometer is used to measure EM and BH, similarly deflection magnetometer can also be used to measure EM and BH. Okay. So it is a device. It is a device which works on principle of, अभी ये कौन से principle पे work होता है ये देखिए, it works on principle of tangent law. Deflection magnetometer tangent law का second application बोल सकते हैं हम. First application कौन सा था, tangent galvanometer था. ओके, टेंजेंट लॉ का दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. मतलब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर किस प्रिंसिपल पे एक्ट होता है, वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी वाइब्रेशन ऑफ ए मैग्नेट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रिंसिपल पे वर्क होता है. और डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर ये टेंजेंट लॉ पे वर्क करता है, टेंजेंट लॉ, यू नो टेंजेंट लॉ. ओके, सो फॉर टेंजेंट लॉ देयर शुड बी अ मैग्नेटिक नीडल विच शुड बी प्लेस्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड. मतलब दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और उसमें एक मैग्नेटिक नीडल हमें प्लेस करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक नीडल उसमें प्लेस करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या क्या आता है, अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ B1 इज इक्वल टू B2 tan theta या फिर B2 इज इक्वल टू B1 tan theta. ओके, सो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर इज अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट लॉ. And once again, this is used to measure or compare करने के लिए use कर सकते हैं, measure or compare dipole moment of two bar magnets or BH मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं. BH मतलब क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके,